आज हमारे अपनों की बात कर रहे हैं, वो एमकेएम के अंदर लोग मौजूद थे। पार्टी की लीडरशिप को पता था कि इस पार्टी में अपने ऐसे जो जा जाकर मुखबिरियां कर रहे हैं, वो प्लानिंग क्या प्लानिंग हुई थी, कहाँ प्लानिंग हुई थी, किसने प्लानिंग की थी, कौन कौन लोग उस प्लानिंग में शामिल था। आपका आपका इशारा एमकेएम वालों की तरफ है तो एमकेएम वाले तो क्लेम ये करते हैं, एमकेएम वाले, कि हम तो जो संगीन जराय में मुलविस लोग थे जिनको रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको जेलों से निकाल के लाए। सब बोलते एक हो गए, मुस्तफा जमाल, फारूक सत्तार, खालिद मुकबूल, सब निकाल दो। सब पहले बताया, जब आप एयरपोर्ट से जहाज से जब बाहर निकले तो आपको इस बात का अंदाजा था कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट पे आपका दोस्त एक पुलिस अफसर ही आपको लेने के लिए आया हुआ था। थाने में आप जो रखा गया तो ऐसे कुछ आपसे लोग मिलने आए जिन्होंने एमकेएम के पुराने दोस्त मिल जाए। आपको इसहाक डार और आसिफ जारी साहब ने जमानत दी थी कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बात सही। और एक बात इरादे जो आप कह रहे हैं ना, हमारे अपने बात बात वो कोई एक आदमी था या बहुत सारे थे? वो लोग इस वक्त एमकेएम में शामिल है या घर पे बैठ गए उनमें शामिल है? चार में से एक जो घर बैठ गए, तीन जो है शामिल है। जो तीन शामिल है वो एमकेएम के कलीदी होने पर मौजूद है। ये बताएं कि आपके जो अपने हैं उनको आपसे खतरा क्या है, मतलब क्या एक चासूस था ना कि एमकेएम का दहशतगर्द विंग है, ये भी नहीं पता है था या नहीं था? आप तो कभी उसमें नहीं रहे, थोड़ा खुल के बात करते हैं ना। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में आप अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, कहते हैं, कहा जाता है कि एमकेएम पाकिस्तान की शराह में रुकावट है, ये बात सही है गलत है? और एक बात बताएं कि आपका शुमार एमकेएम का जो पावर कॉरिडोर था, ये एमकेएम की जो कोर कमेटी थी, जो बड़े दिमाग थे, ताकतवर लोग, उनमें होता था। लेकिन ये ऐसा लगता है कि आपसे कुछ उस वक्त के जो कमजोर पोजीशन के लोगों के आगे आप जेर हो गए, आपके ख्याल में ये इतिहास इंतजाम हुआ है तो ये कामयाब हो जाएगा इलेक्शन में? इस पर इतना दम है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही सही, अवाम की मदद से ना सही। अगर ये बताएं कि जब लोग अपनी क्लियरेंस करवा के एजेंसियों से एमकेएम और पीएसपी में जा रहे थे शुरू शुरू में, जब दोनों सिस्टम बन रहे थे, उस वक्त आपने अपनी क्लियरेंस क्यों नहीं करवाई? इस वक्त जो एमकेएम है, आप समझते हैं जिन लोगों जो जिस वक्त एमकेएम की ड्राइविंग सीट पे जो लोग बैठे हुए हैं, एमकेएम मिली की है या इस वक्त एमकेएम पर कब्जा है? बहुत सारे लोग जो है ना इस वक्त सियासत से आउट है, उसमें एक आप भी हो गए, इस तरह लाचादात लोग हैं और वो सियासत में इन भी होना चाहते हैं, तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये इसको किस तरह एक्सेस किया जाए कि जो पुरानी जो टीम थी वो एक टीम दोबारा बन जाए, थोड़ा सा बताएं। सीधा लोग जानना चाहते हैं जो परेशान है कि मसले का आप लोग जो कोशिशें कर रहे हैं उन कोशिशों की नौयत क्या है, शक्ल क्या है, वो कब तक जो है किसी अमली शक्ल में सामने आ जाएंगी, कौन कौन लोग हैं, क्या पुरानी है, 2016 से पहले की एमकेएम बहाल हो जाएगी? जैसे आप बता रहे हैं कि कौन आदमी कहाँ पे जाके रोता है, कहाँ पे जाके क्या बात करता है, जब आपको इतनी अंदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसका मतलब है वहां पे आपकी भी रसाई है ना। और ये जो कोशिशों की आप बात कर रहे हैं, तो कोशिशों की अगर आप मुनासिब समझे सवाल का जवाब देना, तो कोशिशें क्या है इस मौजूदा एमकेएम में शामिल हुआ जाए या 2016 से पहले वाली एमकेएम को बहाल किया जाए? उन किरदारों को आप बताएंगे कौन किरदार थे, और वो किरदार जिन्होंने एमकेएम को नेक्स्ट तक पहुंचाया, वो क्या इस वक्त एमकेएम में है? जिस दिन एमकेएम बनी उससे बाद अगर एमकेएम की और माजरों की सियासत का तजिया किया जाए, तो माजरों को फायदा पहुंचा एमकेएम से या नुकसान पहुंचा? आप रेस्टोरेंट मैनेजर थे, आप फिर देखते देखते जो है वो अरबपति हो गए, नॉर्थ आजमाबाद में कोई भी शादी हाल जो आपकी मर्जी के बगैर नहीं बनता था, कोई मकान आपकी मर्जी के बगैर फरोख नहीं होता था। ये जो 22 अगस्त को तकरीर हुई थी, उसके चंद घंटे के बाद फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोशिश की, फिर गिरफ्तार हो गए, फिर सामने की, ऐसा नहीं लगता कि लोगों का पहले से जहन बना हुआ था कि हमने एमकेएम से अलगी इख्तियार कर ली? और ये जो नवाज शरीफ साहब से रियासत नाराज हुई, उनको माफी मिल गई, अगर कोई माजी लीडर से रियासत नाराज होती तो आप नहीं समझते कि अगर माजी लीडर रियासत उनसे उनको भी माफी मिलनी चाहिए? इस वक्त कौन है? अगर एक वैसे माजी सवाल पूछूं तो माजरों का लीडर कौन है इस वक्त? आपका ये जवाब तो बहुत सारे नए सवाल को जन्म दे रहा है। खुद एमकेएम तो गवर्नर से नाराज है, आप जो है उनकी तारीफ कर, दुबई बहुत चक्कर लग रहा है आपका, पिछले दिनों भी दुबई में मौजूद थे। ये कह सकते हैं कि कराची के मुस्तकबिल के सियासी प्लान का मंसूबा दुबई में तैयार किया जा रहा है? चलिए इसको इस तरह कर लेते हैं कि कराची के शहरी जो है या सिंध के शहरी इलाकों के जो लोग हैं, वो किसी बड़ी खबर के लिए तैयार रहे, जिन्होंने आपकी बात का मतलब जिन्होंने अपनों के रूप में अपनों को नुकसान पहुंचाया, उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। आपका तजुर्बा क्या कहता है? एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन अपनी सबका हैसियत में वापस आएंगे? आज हमारे साथ जो है वो एमकेएम के सरकर्दा रहनुमा बाबर गौरी मौजूद है, वो इस वक्त अमेरिका से हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। आपके बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो आप जानना चाहते हैं, वो सारे सवाल हम इनके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे बाबर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए बाबर भाई। पहले तो सब लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त कौन सी सियासी जमात में?
मैं इस वक्त किसी सियासी जमात में नहीं हूँ, किसी ग्रुप में नहीं हूँ। 2017 के बाद से मैं बिल्कुल, कहते हैं ना, घरेलू जमात में हूँ। घर घर और बच्चे और पोते पोतियां, नवासे नवासियां। तो ये हम कह सकते हैं कि वो सियासत छोड़ दी आपने? फिलहाल कह सकते हैं, फिलहाल जब मैंने छोड़ी थी, मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, फिलहाल। ये आप तो सियासत का बहुत, पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा फाल किरदार थी। हुआ क्या अचानक से जो बहुत खुल बस के लोग जानना चाह रहे थे आपके, कोई आपके हवाले से, जब से आप सियासी तौर पे गायब हुए ना, तो ये आपकी असल वजूहत सामने आई नहीं। आज लोग वजह जानना चाहेंगे कि हुआ क्या। देखिए, बिल्कुल, आपने कहना अलग से कहानी सुनाए बचपन कोई भी से लेके काम अब तक। इंसान करता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करता है, कोई भी काम हो, बेशक और उसकी कोशिश ही होती है। तो उसमें बास जगह ऐसी पोजीशन आ जाती है कि फिर इंसान सोचता है कि यार, कि बेहतर यही है कि आप अपने इज्जत के साथ साइड में हो जाए, ज्यादा अच्छा है। कुछ वक्त ऐसा आता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आज आपको, आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है, और आज आपने एक खबर देखी होगी टीवी पे, जो सुप्रीम कोर्ट में एक कंवर लड़का है, उसका जो बिल्डर था इस्लामाबाद में, कराची का, बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल उसके साथ जो हाँ, कुछ हुआ, मैं तो जानते मतलब डिटेल मुझे उस वक्त भी पता चली थी, लेकिन हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, तो कराची वाले तो बहुत बेचारे, ये अनलाइक। हाल है कि उनके साथ अपना कारोबार नहीं कर पा रहे वो। आप सियासत तो छोड़ें। तो बाबर भी, आपके साथ जो आप कह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी मुतासिर, तो क्या ऐसे वाकयात हुए थे, वो उसका जिम्मेदार कौन था? आप देखिए, तो बहुत मैं खुलके बोलने वाले आदमी हैं। वैसल भाई, बात यह है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसको बयान करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपनों के जो दुख होते हैं ना, वो बीर बाजार में ले जाके अगर आदमी उसको, कहते हैं ना, कपड़ों को धोए, तो वो अपना खुद ही अपने आप को जो है वो दूसरों के सामने बरहना कर लेता है। तो इसलिए बेहतर है, अब गुजर गया, माजी चला गया, खत्म हो गई बात, अब हमें आगे देखना है। आगे जो देखना है, अब जो मुझे जो बेसिकली जो परेशानी है, अब वो ये है, क्योंकि मैं, याद होगा आपको, 2022 में जुलाई में मैं अपनी वालदा से मिलने आया, उनकी तबीयत खराब थी, तो मैं पहुंचा, जो फिर मेरे साथ हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, अगर मैं गिल्टी होता, मैं कोई, मेरे जहन में ऐसी बात होती, तो मैं क्यों आता? मैं तो एक पाकिस्तान का जो लीगल प्रोसेस था उसको इस मौजू अडॉप्ट पर तो हम करके, आपसे, जी इस मौजू पर तो बाबर भाई हम आपसे आगे चल के बात करेंगे जो वाकई आपके साथ यहाँ हुआ था। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप अमेरिका कब गए थे और क्यों गए अमेरिका? देखिए, मैं जब ऑपरेशन भी पाकिस्तान में मौजूद रहे थे। मैं अमेरिका में फर्स्ट टाइम 1984 में आया था, फिर मेरी 87 में शादी हुई, फिर मेरा आना जाना रहा, फिर 93 में मैंने एमक्यूएम जो है वो ज्वाइन की थी, 93 में एज ए एमपीए। फिर मैं नॉर्थ अहमदाबाद से एमपीए का इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद फिर उस जमाने में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने हमारे बहुत बड़ी तादाद में एमपीएस को गिरफ्तार किया, जिसमें इश्तियाक अदर साहब थे, फारूक भाई थे, वसीम भाई, बिल्कुल बहुत बड़े, सर सगीर अंसारी, और याद है। बिल्कुल बहुत सारे हमारे जो लोग थे वो गिरफ्तार, उसमें मैं भी, मुझे भी गिरफ्तार किया, और राणा सफदर अली खान थे, तो जी शाह फैसल वाले, तो वो हम लोग, मतलब अभी हम कहते हैं ना, सर मुंडाते ओले पड़ गए, अभी इलेक्शन लगा लड़ा, उसके एमपीए बने, और कुछ माह बाद जो है वो सबको अरेस्ट करके उन्होंने डाल दिया था। फिर 5-6 माह के बाद जब जमानत हुई, तो पार्टी ने कहा भी इस वक्त अच्छा है, बाहर जो जो एमपीएस काम कर सकते हैं चले जाएं, तो जिन जिन के जो बेसिस थे, तो हम 8-10 एमपीएस जो थे वो फिर वापस जिनके बेस थे अमेरिका आ गए थे, अफजाल अनवर मरहूम भी थे और दीगर थे, आरिफ सिद्दीकी। उसके बाद फिर आना जाना रहा, फिर मसाइल चलते रहे, जद्दोजहद चलती रही, फिर 97 में मैं एमएनए बना, खारा दर मीठा दर, ये बंसरोड का इलाका था। बिल्कुल उसके बाद फिर 2000, फिर वही 99 में माशाल्लाह लग गया, मुशरफ साहब आ गए थे। उसके बाद फिर जब 97 में गवर्नर राज लगा, फिर हम लोग के काफी एमएलए एमपीएस बाहर गए, फिर मुशरफ साहब के माशाल्लाह के कुछ अरसे बाद जब एमक्यूएम का हमसे एग्रीमेंट हुआ, तो बहुत से लोग जो है वो वापस आए, इसमें मैं भी वापस आया, और फिर 2003 में सेनेटर बना, तो तकरीबन 12 साल में सेनेटर रहा, तो फिर एमपीए, एमएनए, सेनेटर, फेडरल मिनिस्टर, एक सफर जारी रहा। 2015 में जब मेरी टर्म कंप्लीट हुई सेनेट की,
तो मैंने फिर, चूंकि मेरे बच्चे यहाँ थे, मेरी फैमिली यहाँ थी, तो मेरा आना जाना रहता था, तो मैं निकला उसके लिए, मिलने के लिए बच्चों से। और अभी मैं दुबई पहुंचा था, तो 2-3 दिन के बाद जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई सौरभ मिर्जा वाली, जो उसको डेड सेल से निकाल के। और अब वो मैं समझ गया था कि बिलियन हमें इशारे मिल रहे थे कि भाई अब जो है वो सिलसिला शुरू हो रहा है, क्या नाम है, एक ऑपरेशन का। वो 2013 से ही शुरू हो गया था एक्चुअली तो। लेकिन ये कि फिर वो हमारे ही अपनों ने जो थे वो कोशिश कर रहे थे, जो ज्यादा एक्टिव लोग हैं, तो भाई वो जो जाके मिल मिल के उनको झूठी झूठी कहानियां देते थे, भाई इस बंदे को टारगेट करो तो आप फलाने को टारगेट करोगे। तो इस तरह वो इस किस्म के झूठे जो है इल्जामात लगाने शुरू वो आज हमारे अपनों की बात कर रहे हैं, वो एमकेएम के अंदर लोग किए। जी हाँ जी हाँ, अपनों अपनों से मुराद अपने ही होते हैं भाई, बाहर वाले। अच्छा एक बार बता दूं आपको, हमें किसी बाहर वाले ने तंग नहीं किया आज तक, और ना बाहर वाला अच्छा। कभी, ना उसने बुराई की ना इल्जामात लगाए, सब अपनों की कहानी है, अपने ही तो गिरा अपने जगह की बदले पार्टी भिजनी है, समझे। और की खासतौर लीडरशिप से को हमारी पता उम्र था की कि उम्र बहुत ज्यादा होता है ये। नहीं, पार्टी की लीडरशिप को पता था कि इस पार्टी में अपने ऐसे हैं जो जा जा के मुंगलियां कर रहे हैं। उस वक्त शक था बॉसों को, लेकिन कोई ओपनली बात नहीं कर रहा था, लेकिन ये चीजें हो रही थी। उसके बाद और खैर वो वो लोग अल्लाह ताला, देखे एक तो बंदा कोशिश करता है ना, जो इस किस्म की साजिशें करता है, एक परवरदिगार भी बैठा हुआ है ना, वो रब बैठा हुआ था। जिस वक्त वो प्लानिंग हुई थी जहां पे भी, तो मुझे वहीं से एक साहब ने फोन किया कि यार कुछ दिनों बच्चों को मिलके आ जाओ, तो मैं समझ गया था कि कुछ चल रहा है सिलसिला। बारह भाई आज ये महीने बहुत एक बार आपकी मैं बात काट रहा हूँ, एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। ये ना बताएं वो प्लानिंग क्या प्लानिंग हुई थी, कहाँ प्लानिंग हुई थी, किसने प्लानिंग की थी, कौन कौन लोग उस प्लानिंग में शामिल था, और प्लानिंग थी क्या वो? असल भाई, जाहिर है जो लोग, अब तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुली रही ना, आज देखे ना, ये जो मैंने आपको अभी जिक्र किया था सुप्रीम कोर्ट में, चीजें लोगों की आ जाती हैं, कौन कौन क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। अल्लाह ताला ने जिस आदमी ने की थी उसको खुद सजा दे दी, उसको खुद छोड़ के जाना पड़ गया अपने जो भी ओहदे पे थे वो। एनीवे, मैं इस पे नहीं पढ़ना चाह रहा। देखे मैं नामों पे नहीं जाना चाहता, ये अब माजी हो गया, हमें तो आगे बढ़ना है। किसी की मैं क्यों दिलेदारी करूं, अब उसने जो मेरे साथ ज्यादती की, बुरा किया, अल्लाह ने उसको सिला दिया, अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे। मेरी तो दुआएं अभी भी उनके सबके साथ है। मेरी तो नहीं इवन भाई, जो मैं हमारे अपने, हमारे अपने जो अपने, आपकी यार यार फैसल भाई ये बताइए, आप, मैं अपनी वालदा से मिलने आ रहा हूँ, वो लोग जो 30-30, 40-40 साल मेरे साथ रहे हैं, हम लोग अपने रिश्तेदारों के साथ इतने साथ नहीं रहे, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहे जिस तरह इन उनके साथ रहे, और वो जाके शोर कर रहे हैं मुख्तलिफ ऑफिसों में, इनको नहीं आने दो, आज ये आ जाएंगे, कल इशुद्रबाद आ जाएंगे, फला फिर वो नदीम उस्ताद आ जाएंगे, फिर वासे जलील आ जाएंगे। यार तो अगर आ गए तो खुश हो तुम, तो यार अपनी फैमिली से मिलने आ रहा है, कोई प्रॉब्लम में बाहर को खुशी से थोड़ी रहता है। तो ये है भाई ये मैं तो मुझे आपकी बात काट रहा क्यों हूँ, देखा अगर है। आपका आपका इशारा एमके वालों की तरफ है तो एमके वाले तो क्लेम ये करते हैं, एमके वाले, कि हम तो जो संगीन जराइम में मुलविस लोग थे जिनको रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको जेलों से निकाल के लाए, मिसिंग पर्सन को हमने बाल करवाया, उनको उनके खानदान में जो है वापिस बिठाया, उनकी फैमिली से मिलवाया, तो ये एमके वाले आपको आने से आपको क्यों बंद करवाएंगे? वो तो लोगों को जेलों से लेके आ रहे हैं, मिसिंग पर्सन को बाल करा रहे हैं, तो आपको क्यों बंद करवा देंगे? फैसल भाई, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं अपनों की बात कर रहा हूँ, और आप सही पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर किसी के लिए क्या अच्छा किया, मुझे एक बार नहीं बताइए, एक मिनट एक बार बताइए, अभी मर्जर हुआ, पहुंचा अभी मर्जर हुआ, अभी की बात है ना, मर्जर हुआ, मर्जर का मतलब है कि पूरी एमकेएम एक की जा रही है, किस कितने लोग बाहर बैठे हुए हैं, कितने लोग जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हैं, कितने लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, क्या किसी से किसी ने रब्ता किया। बाबर भाई, इस मसले में आपसे बात अच्छा करते हैं, दूसरा पहले बात आपकी सुनिए, आप गिरफ्तारी वाले गिरफ्तारी वाले बात दूसरी बात सुनिए, आप जब दूसरा दूसरा मैं आता हूं आप पे, बहुत से और मर्जर के बाद बहुत से लोगों को बल्कि निकाल दिया गया। यार ये थोड़ी मोहब्बतें होती हैं, क्या करें यार, ये आगे से कहते आगे किसको चलना होता है, आगे बढ़ो, तब निकाल मिलके दिया, चलो, किसको तो किसको बोल। किसको इसलिए निकाल आवाम जो दिया? है ना, आवाम का कॉन्फिडेंस लेना है तो आपको अपनी मोहब्बतों का इजहार करना होगा। नहीं और आप भाई, किसको निकाल किसको दिया? वो हैं तो सब बोलते एक हो गए, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, खालिद मुकबूल, सब फैसल भाई, निकाल किसको दिया? आप मासूमाना सवाल ना करो, आपको सब पता है कि मर्जर के बाद कौन कौन लोग घर बैठ गए, क्या हुआ। देखें नहीं, ये वो तो कह बात रहे हैं जो आपकी है वो मसरूफियत, खानदानी मसरूफियत की वजह से नहीं आ रहे हैं, सब एक आपके साथ किस्म आमिर की खान की खानदानी तरफ है, बदली मसरूफियत में की कह रहे बात हैं कराई जाती है ना। लेकिन आप ये आप। देखिए कि अगर सब साथ हो, मोहब्बतें होती, तो अवाम में भी एक जो है वो कॉन्फिडेंस आता कि नहीं यार चलो एक प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी तो सारे ये लोग बैठे हैं, कर रहे हैं, काम किए ना सबने, 30-30, 40-40 साल काम किए, और इस मौजूद पे हम और आपसे गलती बात करते कोताही हैं, ये सबकी बताएं होती बाबर है। भाई, बाबर पहले बताएं, जब आप एयरपोर्ट से
जहाज से जब बाहर निकले तो आपको इस बात का अंदाजा था कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नंबर वन। इसी का दूसरा सवाल है कि एयरपोर्ट पे आपका दोस्त एक पुलिस अफसर ही आपको लेने के लिए आया हुआ था, तो उस वक्त आपको इस बात का अंदाजा था, आपकी फीलिंग क्या थी? वो तो पूरे वाक्य तो बताए क्या हुआ जब आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे? कौन लेने आया था? खालिद, खालिद महमूद आपके दोस्त एयरपोर्ट से आने वाले। असल में देखें, मुझे अंदाजा इसलिए था कि जब मैंने देखा कि मुझे एक दिन ख्वाब में मुझे वालदा आई और मुझे बड़ा बेचैनी हुई। मैंने कहा मैंने सबको कहा मैं जा रहा हूँ, हर आदमी रोकता रहा नहीं जाए नहीं जाए, प्रॉब्लम होगी होगा। मैंने नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे अब जो होना है हो जाए। मैं दुबई पहुंचा, दुबई से मैंने काउंसलेट जो है पाकिस्तानी काउंसलेट में जाके मैंने एक पावर रजिस्टर करानी थी, क्योंकि वकील को भेजनी होती है जब आप प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं अपनी बेटी के नाम। मैंने वहां ली और मैंने दुबई में जो एक जिम्मेदार ऑफिसर थे, एक खास ऑफिसर थे, उनको मैंने बोला भाई मैं जा रहा हूँ, और उसके अलावा अगर आप बता दें जो भी इश्यूज हैं, और मेरे मेरे जो जाहिर है मैं इतने अरसे फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, सेनेटर रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, मेरे सारी पार्टी की हायर लीडरशिप से ताल्लुकात, दोस्ती, अच्छे ताल्लुकात, मरासिम, और किसी से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हटने के बाद भी सब इज्जत करते हैं। तो सबको मैंने बताया कि भाई मैं आ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है देख लें। उन्होंने कहा भाई देखते हैं, खासतौर पर जमाने पीडीएम की हुकूमत थी, वो सब चेक करके उन्होंने बताया कि कोई इशू नहीं है, आपने प्रोटेक्टिव बिल ले लिया है, बाकी कोई हमने सब चेक कर लिया, कुछ नहीं है। तो मैं लेकिन फिर भी मुझे शक था कि कुछ प्रॉब्लम है, मुझे इतना मिल रही थी कि कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कोई बात नहीं, चलो अल्लाह मालिक है, इतना अंधा कानून नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन जब मैं उतरा तो पता चला कि भाई एक कोई FIR है, उसमें आप वांटेड थे। खालिद महमूद जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो DSP बेचारा अब रिटायर हो गया, वो आया। मैंने बोला भाई तुम प्रोटोकॉल देने आए हो, गिरफ्तार करने आए हो, ये सवाल किया पहला मैंने उससे। तो कह लेगा सर हम हमें क्या है, बस मजबूरी थी उसकी, प्रेशर था। उसने कहा जी ये, मैंने कहा अच्छा किस FIR में पकड़ लो? तो उसने एक सब इंस्पेक्टर को आगे किया, उन्होंने कहा कि जी ये 27 जुलाई 2015 में एक FIR कटी थी गडाम में, गडाम में सुपर हाईवे था, उसमें जी फलाने ने तकरीर की पाकिस्तान के खिलाफ और आपने तालियां बजाई। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, ये बताओ कि तारीख क्या है? मैंने दोबारा रिपीट करा, कहला 27 जुलाई 2015। मैंने अपना पासपोर्ट निकाला, मैंने देखो 15 मार्च 2015 को मैं मुल्क से चला गया था, तो यार FIR तो सही काट लेते। तो वो शर्मिंदा था, क्या करता जाहिर है, कहना सर हमें मजबूरी है, प्रेशर है, ये है वो। मैंने चलो फिर चलो जा लेके चलना है। मैंने पहले एक ट्रॉली बैग अलग बनाया था, क्योंकि मुझे इंसुलिन और मेरी दवाएं वगैरह उसमें थी। मैं फिर मुझे ले गए वो, और नेक्स्ट डे जब कोर्ट ले गए, कोर्ट में मैंने यही बात की जो जज साहब थे। मैंने कहा ये देखिए मैं जो आप मुझे क्यों रिमांड दे रहे हैं आप मेरा, आज जो लोग रो रहे हैं ना 2 दिन का रिमांड पर रोने लगते हैं कि जी गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हमें 7 दिन का बगैर जाली FIR में दे दिया। कह रहे साईं समझा करें ना, साई बड़ा प्रेशर है, अब बताइए मैं क्या करूं। मैंने ठीक है, अब वो ले गए सुबह, नेक्स्ट डे जो है वो फिर हमें पता और चल गया कि भाई जा रहे, हमें इस बात की सजा दी जा रही है, हमें रोका जा रहा था, और हमने कहा नहीं हमें तो आने वाला। और हम कह रहे थे कि भाई हम कोई पॉलिटिकल नहीं इशू है हमारा, कोई हम किसी कोई हमें अपना थ्रेट ना समझे। बाद में फिर जो जाहिर है ताल्लुकात तो सबके होते हैं, सलाम दुआ है, पता चला उन्होंने बताया भाई हमें इशू नहीं है, ये आपके अपने दोस्त आके रोते हैं कि यार अगर ये लोग आएंगे हैं अपने तो आपके भी, आपके भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं उसमें, तो आप खुद मालूम कर ले। मैं एहतियात करता हूँ, नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबके साथ खाना खाया है, वक्त गुजारा है, मोहब्बत प्यार गुजारी है, तो मैं तो बस उनकी दुआएं करता हूँ कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे बस। आपके साथ में और फिर दोबारा आया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दोबारा आया तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये प्रॉब्लम रही कि फिर उन्होंने रोना पीटना गाया कि नहीं जाए, इनको भेजे और ये किसी से मिले नहीं, मीडिया से बात ना करें, ये ना करें, वो ना करें। बार बार कह रहा हूँ भाई जो थाने में रखा गया, मुझे जी थाने में आप जो रखा गया, तो ऐसे कुछ आपसे लोग मिलने आए जिन्होंने MQM के पुराने दोस्त मिलने आए आप इनसे, 30 साल 40 साल की आपकी दोस्ती थी, उसमें मिलने आए थे? उसमें कोर्ट में ख्वाजा सुहेल आए थे, और किश्वर बाजी को मैं सलूट पेश करता हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू, कि उन्होंने बड़ी बहन का किरदार अदा किया। उन्होंने एक वकील भेजा और वो आए, उन्होंने और उनका नाम था अब्दुल मालिक गौरी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। और मुझे खुशी ये हुई कि उस आदमी ने अपना पर्स निकाल रखा कि बार भाई अगर अचानक आपको पकड़ ले, कुछ मंगाना हो, खरीदना हो कुछ, तो ये मैंने नहीं यार थैंक यू। तो ऐसे लोग भी होते और ऐसे भी थे कि जो बेचारे फोन कर रहे थे, डर रहे थे, नहीं आ रहे थे, उन्होंने घर फोन करके खैरियत मालूम कर ली। लेकिन ज्यादा जो सपोर्ट मिली, यानी जो ज्यादा लोगों ने पूछा, वो पीपल्स पार्टी के लोग थे।
बाबा भाई आपसे पहले नहीं बताया, ये कहा जाता है कि जब आप आए थे तो आपको इसहाक डार और आसिफ जारी साहब ने जमानत दी थी कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बात सही है? नहीं, ये बात नहीं कहती जमानत नहीं दी है, ये चेक करा था, सबने चेक करा लिया था। और डार साहब जो थे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मोहसिन हैं, भाइयों की तरह है मेरे। उन्होंने नून के भी सब लोगों ने बड़ा, यानी सच्ची बात है कि अपनों के अलावा सबने मदद की। उन्होंने उस जमाने में राणा सलोला साहब वजीर दाखिला थे, और उन्होंने सारा चेक करके मुझे फोन किया कि नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, आपकी प्रोटेक्टिव बेल हो गई है, हमारे सामने यही केसेस हैं। और रह रहे वो जिन्होंने पकड़ना था, रखते हैं, वो एक छुपी हुई FIR रखी हुई थी, कोई कर लिया पकड़ लिया, कोई बात नहीं। मेरा जमीर सेटिस्फाई था, मैं आया, मेरे दुनिया भर के इल्जाम तो मुझ पे लगा दिए थे। पहले सबसे पहले कंटेनर, 19,000 कंटेनर चोरी, ऐसे लेके बताइए, यानी एक कंटेनर 40 फीट का होता है, उसको आप जरब करें 19,000 से, और उसको माइल में तकसीम करें, 200 मील बनते हैं तकरीबन, यानी कराची से सक्खर तक वो कंटेनर अगर सुपर हाईवे पे रख दें। उसके बाद ये वो सायमा बिल्डर बाबर गौरी का आधा नौरथानाबाद फलाना, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगे, और ज्यादा इल्जाम को प्रवंडा हमारे लोगों ने चुकी है। उस चक्कर में बेचारे बहुत से लोगों से ज्यादती हो गई, फिर मेरे हॉल तोड़ दिए, उन्होंने कहा जी ये कमा के ये पैसे बाहर भेजते हैं। अरे भैया, मैं कि अपनी मेरी जो यानी पार्टी से आने से पहले मेरी अपने हॉल, मेरा काम, लेकिन यार बस हवा और चल रही थी, उसके हमारे लोग जा जाके शिकायतें करते थे, उन्हें ये चाहिए था वो तस्दीक करते। देखें, कभी भी कोई भी एक्शन लेना हो ना, उससे पहले तफ्तीश की जाती है, ये सिखाया जाता है तमाम इदारों को, तफ्तीश, उसके बाद जो है वो फिर आप उस पर फैसला करते हैं कि इस पर कार्रवाई क्या करनी है। तफ्तीश हुई नहीं, आपके कान में आके बोला ये फलाना कर रहा है यार, उस चक्कर में बेगुनाह लोगों के हॉल टूट गए बेचारों के, मुझे अफसोस है, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। और एक बात बता दें, जो आप कह रहे हैं ना हमारे अपने बाल बाल, तो वो कोई एक आदमी था या बहुत सारे थे? हमें हमें 4 आदमी के नाम पता चले थे, चार आदमी जिनसे ठीक है। उन्होंने जाके रोया धोया था, उन्होंने उनको ये भी नहीं पता कि वो अगर आपके दोस्त है तो दूसरों के भी दोस्त हो सकते हैं। चार वो चार लोग लोगों जो है, के वो लोग इस वक्त एमकेएम में शामिल है या घर पे बैठ गए उनमें शामिल है? कुछ शामिल है, कुछ अभी अभी एक झाप जो शायद घर पे बैठ गए। एक घर पे बैठ गए, बाकी इसमें शामिल है चार, चार में से एक जो घर बैठ गए, तीन जो है शामिल है। जो तीन शामिल है वो एमकेएम के कलीदी होते पर मौजूद है। ठीक अब यार छोड़ो ना यार, फैसल भाई आप भी मत कसौटी खेल रहे हो, मरवाओगे है आप, ठीक मिलाओगे है। यार। मैं तो भाई उनके लिए भी नहीं, दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, और उनको ये अकल आए, उनको ये अकल आए कि अपने अपने ही होते हैं, और मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए आया था, मैं अपने लिए नहीं अपनों के आप लिए आया था, याद रखे ये। मैं एक बात ये बताएं कि आपके जो अपने हैं उनको आपसे खतरा क्या है, मतलब क्या खौफ है आपकी नहीं, मुझे शख्सियत में, खुश ऐसी तो क्या भाई, खतरनाक अच्छा मुझे तो ये एहसास ही नहीं था कि यार मैं इतना, यानी जब जब जो जो आदमी? लोग मिलने आए, खतरनाक नहीं मतलब सियासी तौर पे कह सकते हैं। वैसे तो मेरा देखिए, हमेशा मैं एमकेएम में भी सियासी उसमें रहा हूं, मैं किसी तंजीमी मामला में इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। मैं सियासत में नवाज शरीफ साहब से मिलना है, मुशरफ साहब से मिलना है, दहशतगर्द जी विंग है, ये भी नहीं पता है था या नहीं था, आप तो कभी उसमें नहीं नहीं रहे? नहीं मुझे नहीं, मैं तो एक पॉलिटिकल, हमारा काम था सैनेट में क्या है, बिल क्या है, नेशनल असेंबली बिल क्या है, वजारत में अब काम करना है, अब वजारत में काम करते हैं इन चीजों पढ़ते, और ये देखिए हमने काम किया। और मैं आज आज आपको फैसल भाई गारंटी बता रहा हूं, पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, किसी फेडरल मिनिस्टर ने कराची में पैसा नहीं लगाया। कराची को तो सब समझते ना, हमारे मैं वाहिदा फेडरल मिनिस्टर हूँ उस 75 साल में जिसने पहला अंडर पास आपका जो है सोन चौरंगी पे बनाया, 3 टीयर फ्लाई ओवर जो है हीनो चौक पे हमने बनाया, माई कलाची रोड, एमटी खान रोड, फूड स्ट्रीट जो पोर्ट ग्रैंड है। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि जो लोग हमारे हमें अच्छा, हमें दर्द था ना अपनों का, जब ये मैं जाता था इस्लामाबाद तो फ्लाइट में लोग मिलते थे, मैं क्या कहाँ जा रहे हो, कि बाबर भाई वो हमें वीजे के लिए जाने, बड़ा मसला है ठहरने का। बॉसों को मैं अपने घर ले जाता था इस्लामाबाद में ना, खाली तुम्हारा ही घर है ये, तो वहां पे मुझे दुख होता था, ये लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। तो मैंने फिर अमेरिकन एम्बेसडर एन पीटरसन थी, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि आपने क्यों कॉन्सुलेट बंद कर दी, कह लीजिए वो सिक्योरिटी इशू है, तो कह लेंगे आप हमें जगह दे दें तो हम खोल लेते हैं। तो मैंने उनको 20 एकड़ जगह माई कलाशी रोड पे दी। आज जो लोग वीजे के लिए वहां आराम से जाते हैं तो कम से कम 2 लाख शुक्रिया के तो बोल दें कि यार बाबर भाई ने एक बड़ा काम कर गए, ये कि यार हमारे लिए मसला हल कर गए। लेकिन ये बात तो मुझे समझो, फिर केपीटी, मेरा पर्स केपीटी था, वाले भी आपको, केपीटी के लोग भी याद करते हैं कि आपके दौर में केपीटी की आमदनी में इतना इजाफा हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। जी केपीटी
पीएनएस थी हमारी लॉस में थी, और मैं जब चार्ज किया 1 बिलियन साल का हमने उसमें रेवेन्यू जो है बढ़ाया, प्रॉफिट में लेके आए, चार हमने जहाज उसमें टैंकर बल्क कैरियर हमने ऐड किए। लेकिन ये तवील है चीजें। और मैं आज आपको एक और बता दूं फैसल भाई, अभी जो मैं हूं ना इसके फेवर में नहीं हूं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन अब मसले का नहीं है फिलहाल। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, लेकिन मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं कि इलेक्शन इस वक्त हर आदमी इलेक्शन में लगा हुआ है। देखिए इलेक्शन के बाद क्या होगा, इलेक्शन के बाद ये होगा कि एक जीतेगा या दूसरा कहेगा जितवा दिया गया, एक नया झगड़ा खड़ा हो जाएगा, जो मसाइल है वो अपनी जगह रहेंगे। अब देखिए इस वक्त हालांकि केयर टेकर है, लेकिन फैसले हो रहे हैं ना। अब जो भी, अब किसने ये आज तक आवाज उठाई कि इनको अफगानियों को बाहर, कभी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला, किसी ने स्मगलिंग बंद की, किसी ने सिस्टम जो किस में सिस्टम चल रहा है, सिस्टम कि आज सिस्टम का, अच्छा हैरत की बात है, हम तो सोचते तस्वुर हिल जाता है। वहां पे एक, यहाँ पे कुछ लोग मिले मुझे, अभी मैं दुबई गया था, बिजनेसमैन कह रहे रेट फिक्स है कि 1000 गज पे आपने अगर प्लाजा, कह रहे हम कहां से काम करें 7 करोड़ रुपए, तो केबीसी वाले मांगते हैं 12 करोड़ जी, एक 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 नक्शा बताइए। और ये बड़े जिम्मेदार बिल्डर ने बताया मुझे, जो वहां पे किया उनकी जो तंजीम है 7 करोड़ रुपए का, आपके दोस्त की जैसे कोई रैटी पैकेज मिला हो, वरना रेट इससे भी ज्यादा है। मैं तो हो सकता है उसको डिस्काउंटेड मिला हो या आप ये हालात हो, लेकिन आप ये बताइए कि ये हाल है तो लोग कारोबार कहां से करेंगे। आपके दौर में क्या, आपके दौर में क्या, आपके दौर में एसबीसी का रेट क्या चल रहा था 1000 गज का? देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, सच्ची बात है, मैं तो फेडरल में था, लेकिन मैंने कभी कंप्लेंट नहीं सुनी। रिश्वतें चलती थी, लेकिन नीचे ले बहुत छोटे लेवल पे चलती होंगी। मैं तो फेडरल के मामला देखता था, लेकिन जो हमारे लोग थे वहां पे, जो नाजिम थे या जो जो लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट बलदियाती मिनिस्टर थे, ये बात ही कभी नहीं सुनी कि करोड़ों रुपए जो है वो रिश्वतें मांग रही, किसी ने शिकायत की। अच्छा, अरे एक बात हम बताए ना, थोड़ा खुल के बात करते हैं ना। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में आप अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, आपके पास तजुर्बा भी है, आपको जो है वो करना भी चाहिए। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछूंगा, बिल्कुल कहते हैं, कहा जाता है कि एमकेएम पाकिस्तान इस राह में रुकावट है, ये बात सही है गलत है? मैंने अभी आपको बताया तो है कि जाके नहीं, आपने अपने को बताया ना, अपने ऑफिसों में जाके जो है वो अपने कौन है, कहाँ है? मैंने अगर सियासत की, मैं तो रियासत का नुमाइंदा था ना, मैं तो 9-10 साल का फेडरल मिनिस्टर रहा, सेनेटर रहा, और खासतौर पर फेडरल मिनिस्टर आपको 50-55 कितनी एजेंसियां जो है वो क्लियर करती है, तो आप जाके बनते हैं। और आज जो है वो और मुल्क का काम किया, ग्वादर पोर्ट को हमने वक्त पे कंप्लीट किया, नए नए शहर के हमने प्रपोजल दिया, उसमें पूरा काम किया जब वो होने वाला था, इत्तेफाक से नहीं हुआ। वरना अभी पाकिस्तान को, अभी भी हमने जो कोशिश कर रहे हैं हम कि भाई पाकिस्तान को अपनी तरफ से तजावीज देते हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं है कहीं इमदाद लेने की, और बगैर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के, ये भी नहीं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ठीक है, हाँ, तो अब रुकावट बने हुए, आप जहाँ पे आपकी सोच जा रही है, आपकी सोच सही है, हमारे पास है। हम लोग जो काम करते थे पहले, टीम वर्क होता था, गवर्नर हाउस उसमें फोकस होता था, वहां कोई मसला खड़ा होता था तो उनसे रब्ता करते, विफाक में मैं देख रहा होता था कि प्रोविंशियल मिनिस्टर का मसला हो रहा है, फंड का हो रहा है, मुशरफ साहब से बात करनी है या जरदारी साहब से बात करनी है या गिलानी साहब से बात करनी है, फिर मैं फेडरल में जाके मामला देखता था। प्रोविंस के मामला जो गवर्नर जो है उसे इशरत अलीबाद भाई वो देखते थे, आपके कई मसले खड़े होते थे वो उसको रिजॉल्व करते थे, एक टीम वर्क होता था, लोगों को पता था भाई ये जाएंगे काम हो जाएंगे, मसले हल होंगे, नौकरियां मिलेंगी, कारोबार जिंदगी चल रहा होगा। अब ये चीजें देखें, अब तो कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा ना, अब क्या करें? और एक बात बताएं कि आपका शुमार एमकेएम का जो पावर कॉरिडोर था, ये एमकेएम की जो कोर कमेटी थी, जो बड़े दिमाग थे, ताकतवर लोग, उनमें होता था, लेकिन गरीब आदमी भी बहुत शुमार होते थे। लेकिन ये ऐसा लगता है कि आपसे कुछ उस वक्त के जो कमजोर पोजीशन के लोगों के आगे आप जेर हो गए, उन्होंने आपको अपने कंट्रोल में कर लिया, या उन पर आपकी नहीं चल पा रही, वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो गए, ये सही है गलत है ये तासुर भाई? बात यह है कि अगर कोई सेकंड थर्ड बेंचर हो, फर्स्ट बेंचर दोबारा आना चाहे और वो फर्स्ट बेंच पे आ जाए, तो एक तो पहले ये प्रॉब्लम होती है,
नंबर टू वो पब्लिकली मुकाबला करे ना भाई, डरने क्या बात है, आप कैसे वो जीरो गए। मैं आता हूं तो उन ऑफिसों का सहारा ना ले ना, ऑफिसों में जाके शिकायतें ना करें ना, कहें यार ठीक है आए बाबर गौरी किसी भी इलाके से, मैं आजाद खड़ा होता हूं, चले आए ना, आवाम बताएगी कि कौन किसके साथ है। देखे ना, तो आप अगर इंटरव्यू में मैं आप चैलेंज काम, मैंने काम किया है, मैंने कर काम में देखिए, रहे मेरा हैं मेरा जो फिलहाल देखिए, मैंने बोला फिलहाल मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं है, लेकिन एक एक आर्गुमेंट हो रही है तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या मैं एक ऐसे पाकिस्तानी आके नहीं लड़ सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही है ना, इतनी हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, लेवल तो बहुत बाद में होगा। आप सिर्फ उन ऑफिसों के पास चक्कर लगाना छोड़ दें, अगर आप में वाकई में पब्लिक साथ है, सब है। अगर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर में बोलूँगा ठीक है आए 10 लोग इलेक्शन लड़े कोई बात नहीं, अगर मैं सही होगा मैं जीतूंगा नहीं होगा हार जाऊंगा, आप अच्छे होंगे आपके साथ लोग होंगे आप जीत जाएंगे, हमारे पास तो ना कोई पार्टी है ना कुछ, हम तो आजाद की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं चलो भाई आजाद लड़ते, आवाम देख लेगी कि किसने काम किए थे, कौन किससे मोहब्बत करता है। आपके ख्याल में इस वक्त कराची की नुमाइंदा जमात कौन है? ये बहुत खतरनाक सवाल किया आपने, सही है ना। नहीं आप तो हर और सवाल पे मैं कराची की नुमाइंदा जमात जिनको अवाम वोट देगी वो नुमाइंदा जमात बन जाएगी। नहीं, वो तो ये तो बन जाएगी थी, ये तो आपने एक बहुत ही, फिर आपने साइड में ना फेंक दी बॉल को उठा के, ये नहीं देखिए करेंगे। ये आपसे बताएंगे आपके ख्याल में ऐसे आपका तदब्बुर सियासी बसीरत क्या कहती है कि इस वक्त कराची की नुमाइंदा जमात, चले नुमाइंदा बड़ा कौन है इस वक्त कराची का? अब कराची कराची वालों की बेचारों की वो कराची में है बदकिस्मती, या नहीं है ये बता देते हैं। कराची वालों की बदकिस्मती इस वक्त ये चल रही है कि एक तो जाहिर है इत्तेहाद नहीं रहा, दूसरा ये कि ना उनको क्रिकेट खेलने दी जा रही है ना उनको कारोबार करने दिया जा रहा है। ये कराची वालों की बदकिस्मती शुरू से रही है, जब पाकिस्तान के अंदर, अभी सी बात नहीं है, जब पाकिस्तान में अरे ये तो कराची वालों ने, ठीक सुने एक मिनट, जब है। नेशनलाइज किया था हमारे स्कूल हमें नहीं चलाने दिए गए, हमारी इंडस्ट्री हमें नहीं चलाने दी गई, हमारे बैंक हमें नहीं चलाने दिए गए, तो कराची वालों को तो हर दौर के अंदर ही बेचारों के साथ जुर्म हुआ है, क्या करें, वो अल्लाह ठीक है, ताला से लेकिन उम्मीद चले आप यूँ नहीं रख बता दें कि सकते। कराची का जो नुमाइंदा लीडर है वो कराची में है या नहीं है? ये तो आप आवाम से पूछिए, मैं तो बाहर ठीक हूं। है ठीक है। अच्छा ये बाबर ये बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान का जो मौजूदा ढांचा है इंजमाम के बाद सामने आया है, आपके ख्याल में कामयाब हो जाएगा ये तजुर्बा इंजमाम का, या हो गया है कामयाब या नाकाम हो गया है? देखें पहली बात है कि इसकी मर्जर की जरूरत जाहिर पेश आई, किसी वजह से आई ना, यानी क्या दो वजह? एंटिटी थी और एक एंटिटी पे तो बहुत खर्चा हुआ काम हुआ, दूसरी एंटिटी के ऊपर भी काम हुआ, अब उन उसका मतलब उन दोनों का अलग अलग कोई रिजल्ट नहीं आया ना, तो आपने मर्जर किया, मर्जर क्या किया गया, सिर्फ दो चार लोग मर्ज हुए बाकी तो थे ना, तो मर्जर होता अगर सब मर्ज होते, यानी जितने बैठे हुए, और मर्जर के बाद क्या हुआ, चार पांच और नीचे जो देखिए आवाम में आप किसी को बनाते हैं लीडर बनाते हैं उसमें टाइम लगता है, आज जितने चाहे वो एमकेएम में हो पीस पार्टी में हो नून में हो, वो 20 20 25 25 साल कोई काउंसलर बनता है, फिर एमपीए बनता है, एमएलए बनता है, फिर ऊपर आता है, लोगों के जहन में वो रजिस्टर्ड होता है भाई ये हमारा लीडर है या ये हमारा नुमाइंदा है, उसके बाद जाके वो उसकी, अब वो सारे प्रोसेस को गुजारने वालों को अगर आप एकदम से साइड फेंक दें तो पब्लिक का इतमाद कहाँ होगा, पब्लिक तो शटर हो जाती है, उनका माइंड शटर हो जाता है, यार ये क्या है। मुझे तो लोग, मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं तो जब आया हूं तो जहाज में, जब मैं आ रहा था कितने लोग खुश थे, जब मैं जा रहा था कितने लोग बेचारे अफसरदा थे कि हम तो खुश हो रहे थे कि अपने लोग आ रहे हैं, हालांकि मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं आ रहा था, सिर्फ वालदा से मिलने आ रहा था, लेकिन अब अच्छा एक बात और बता दूं, अवाम को भी अब पता चल गया है कि भाई कौन कितना जो है वो खौफजदा है, कि कोई आता है तो वो जो है वो घबरा जाता है, ये अवाम अवाम भी बेचारी अब सब जानने लगी है, सब जानती है, जानती है पब्लिक है अभी सब जानती है। ये इंतजाम कामयाब होगा 2024 के इलेक्शन में? जैसे इसको इस तरह ले लेते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट भी अगर कामयाब कराना चाहती है तो इंजमाम में इतना दम है कि एस्टेब्लिशमेंट भी है कि 20 को 18 को 20 कर देगी, 17 को 20 कर देगी, 1 को तो 20 नहीं कर सकती ना। तो आपके ख्याल में इतिहास इंजमाम हुआ है तो ये कामयाब हो जाएगा इलेक्शन में? इस पर इतना दम है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही सही, अवाम की मदद से ना सही, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से कामयाब हो जाएगा? बस 2018 के एस्टेब्लिशमेंट अंदर लोग रात को सोए थे, सुबह जो है वो सीटें मिल गई, तो पाकिस्तान में हाँ कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। अभी एक लेकिन बात ये लेकिन बताएं, मेरे अभी भी ये मैं कहता हूं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए,
पहले पाकिस्तान तमाम पार्टियां बैठे ये जहन से निकाल दें कि मेरा वजीर आजम बनेगा, फलाने का वजीर बनेगा और ये लाहौर का नहीं बनेगा। ये भी बड़ी गलत बात है, ये बात हम लोग भी बहुत सुनते हैं, कराची वाला वजीर आला नहीं बनेगा, बुरी बात है ये। आप तासुब ना करें, आप कहें जो अच्छा है वो लाहौर का है तो बनेगा, वो पिंडी का है तो बनेगा, वो कराची का है तो बनेगा। अच्छा आदमी होना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए कुछ करे। यही काम बैठ के आपको करना होगा। सबको पहले इलेक्शन छोड़ें, पहले सर जोड़ के बैठेंगे, पाकिस्तान को कैसे बचाना है, हमें मजीद सूबे कैसे बनाने हैं, हमें मजीद मेरिट कैसे लाना है। देखें अभी जो जो हमारे जो माजी के सिलसिले चलते रहे उसका एक निचोड़ तो सामने आ गया ना कि अगर मेरिट नहीं होगा तो पाकिस्तान के कोई भी इदारा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। पीआईए की मिसाल आपके सामने मौजूद है। तो आप कम से कम ये जो 2013 में कोटा सिस्टम खत्म हो गया था आईन में, तो उसको उसको तो मेरिट को चलने दें। ये गैर आईनी काम अभी तक हो रहा है कि कोटे को फॉलो कर रहे हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब, मैं मतलब उनकी इज्जत करता हूं कि उन्होंने ये अच्छा काम किया था कि उन्होंने कोटे को, हमने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने इसको एक्सटेंड नहीं किया, आईन में खत्म हो गया था। लेकिन जो पिछले वजीर आजम साहब थे उन्होंने जो है जिनके जिनके मंशूर में मेरिट था वो जाते जाते जो है वो इंतजामी बुनियाद पे लगा गए कोटा सिस्टम, जो गैर गैर आईनी है। शामिल थी ना सर, तो उनको पकड़ना चाहिए आप लोगों को कि भाई तुमने कैसे बोलने की इजाजत नहीं थी। नहीं आप लोग को तो इजाजत है, आप सवाल तो करते ना। हमें भी इतनी इजाजत नहीं, हमें भी बहुत मेहनत थी। बस बात आ गई ना, वो ऑफिसों में अगर आप कुछ बोलेंगे फिर वो ऑफिसों में जाएंगे। हमें पता है कितने चैनल बंद हुए, कितने साफियों को बुलाया गया बेचारे। अगर ये बताएं कि जब लोग अपनी क्लियरेंस करवा के एजेंसियों से एमकेएम और पीएसपी में जा रहे थे शुरू शुरू में, जब दोनों सिस्टम बन रहे थे, उस वक्त आपने अपनी क्लियरेंस क्यों नहीं करवा ली? मैंने किया क्या क्लियरेंस कराऊं भाई, वो जो जो अगर किसी ने कोई क्लियरेंस कराई है कोई चीज है, मैंने क्या किया है, मैं क्या किया भाई? आपने जा जाके शिकायतें कर करके मेरा चेहरा कर दिया कि जी ये फलाना, इनका ताल्लुक फलाने से रब्ता है, फलाने से ये। यार मैंने मुल्क की खिदमत की, और मैंने तो अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं रियासत का नुमाइंदा 12 साल रहा, तो सारी एजेंसियों ने क्लियर किया होगा तो बनाना। अब मैं अगर मेरा काम हो गया तो टिश्यू पेपर के छोड़ दो, फेंक दो, ये ऐसा थोड़ी होता है। ये जो तजुर्बात लिए, जो काम किए, जो इन्वेस्टमेंट लाए, $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मेरी मिनिस्ट्री में उस दौरान आई थी, कितने इन्वेस्टर बैठे हुए थे जो आए थे और आज भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजें खत्म करना होगा। इस वक्त जो एमकेएम है, आप समझते हैं जिन लोगों जो जिस वक्त एमकेएम की ड्राइविंग सीट पे जो लोग बैठे हुए हैं, एमकेएम मिली की है या इस वक्त एमकेएम पर कब्जा है? देखिए एक बात सुने फैसल भाई, सच्ची बात ये है ना, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ना सवालात मुझसे, ये आप लालू खेत में जाके नाजामाबाद में अपने आम पब्लिक से करें, आपको इसका बहुत अच्छा जवाब मिल जाएगा। हाँ वो तो नहीं मानते, बस तो मैं इन चीजों पढ़ना नहीं चाहता। मुझे बार बार एमकेएम में ले आते हैं भाई, मेरा कोई किसी से ताल्लुक नहीं है। आप मुझसे बात करें कराची के अवाम की, डेवलपमेंट की, किस तरह मसले हल होंगे, और इनको बस अल्लाह ने हिदायत दे कि ये कम से कम ये ख्याल कर लें यार, ये हम किस किस की कब तक मुखालफतें करेंगे, इस तरह जिंदगी नहीं चलेगी, ना हमें कामयाबी मिलेगी। और ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आप कह रहे तजुर्बेकार लोग हैं, जिनको सियासत का तजुर्बा है, हुकूमत चलाने का तजुर्बा है, एस्टेब्लिशमेंट से डील करने का तजुर्बा है, प्रोजेक्ट को जो समझते हैं, सरकार को जो समझते हैं, उनमें बहुत सारे लोग जो है ना इस वक्त सियासत से आउट है, उसमें एक आप भी हो गए, इस तरह लातादात लोग हैं बिल्कुल, लेकिन और वो सियासत में इन भी होना चाहते हैं, तो उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये इसको किस तरह एक्सेस किया जाए कि जो पुरानी जो टीम थी वो एक टीम दोबारा बन जाए, वो सिस्टम दोबारा खड़ा हो जाए, ये क्या इसका फार्मूला होना चाहिए? मतलब आपका तजुर्बा क्या बोलता है, इतने पुराने सियासतदान है तो ये फार्मूला तो पेश करेंगे ना, खाली कुर्ते कुड़ने से मसला नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं और पुराने काफी लोग एक दूसरे से राब्तों में आए हैं और सब परेशान है जो कुछ हो रहा है, और कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, फील्ड के अंदर तो कम से कम इंड हो, और उसके बाद अच्छा देखिए जो लोग रोना धोना करते हैं जाके ना, वो जहां पे करते हैं वो भी हंसते हैं कि यार इन लोगों हर छोटी छोटी चीज पे ही आ जाते हैं, तो उनको भी एहसास हो रहा है कि यार ये जरूर कुछ इन लोगों में बात है जिसकी वजह से ये परेशान है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें लोगों की समझ में आती है, और क्या लोगों का इससे थोड़ा सा बताएं, लोग जानना चाहते हैं जो परेशान है कि मसले का, आप लोग जो कोशिशें कर रहे हैं उन कोशिशों की नौयत क्या है, शक्ल क्या है, कब तक जो है किसी अमली शक्ल में सामने आ जाएंगी, कौन कौन लोग हैं, पुरानी है 2016 से पहले की एमकेएम बहाल हो जाएगी,
बहुत से ऐसे ऐसे देखिए, हमारे जितने जो लोग हैं, पहले एक बात क्लियर कर दूं, वो सारे जो है इस वक्त किसी ग्रुप में नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, बस वो खामोश बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन वो उन सबके तजुर्बात हैं, काम है, वो कर सकते हैं, पब्लिक भी जानती है, लोग भी उनके मसाइल को पता ही हल कर सकते हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, क्या वो सब उनको अगर इजाजत मिलती है नहीं मिलती, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, कि वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जब कहते हैं नहीं, इलेक्शन हो रहा है, सबके लिए है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, ऐसा होता नहीं है ना। तो इसलिए अगर ऐसा पहले नजर आएगा या वही कोई, जैसे आप बता रहे हैं कि कौन आदमी कहाँ पे जाके रोता है, कहाँ पे जाके क्या बात करता है, जब आपको इतनी अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसका मतलब है वहां पे आपकी भी रसाई है ना, तो वहां तो आप अपना मुकदमा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रसाई से मुराद ये कि जाहिर है मुख्तलिफ दोस्त होते हैं, वो उनके भी दोस्त होते हैं, मुख्तलिफ जराओं से बात बात, डायरेक्ट रसाई कोई नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे चंद लोग ऐसे होते हैं जो जो कराची के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो परेशान हैं, वो भी रابطे करते हैं, उनकी भी बॉसों से दोस्ती होगी, वो काम कर रहे हैं लोग इसके ऊपर, देखें क्या होता है, अभी तो टाइम है, मतलब ज्यादा ये हो टाइम जाए कि नहीं। जो कितने टाइम में ये फेज बन सकता है, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले भी नई तस्वीर नजर आ रही है कराची की सियासत में आपको? डिपेंड करता है कि कुछ समझ अगर आ जाए, जो भी कुछ कोशिशें करी जा रही हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए की जा रही है, खासतौर पे कराची की जो सूरत हाल है, एहसास महरूमी बहुत हो गया है, नौजवानों को रोजगार मिल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, और थोड़ी बहुत आवाज उठा रही है मुख्तलिफ जमातें, जमात इस्लामी ने इस पर थोड़ा आवाज उठाई, अब पीपल्स पार्टी भी वोट लेने के लिए कोशिश करी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कराची के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, उन्होंने जितने रोजगार दिए बल्कि कराची की तमाम सीटों पे गैर मुकामी ले आए, ये मुनासिब नहीं था, वो कराची के नौजवानों को लाए आगे, उनको दें तो शायद कराची में उनके लिए और स्पेस बने। और ये जो कोशिशों की आप बात कर रहे हैं, तो कोशिशों की अगर आप मुनासिब समझे सवाल का जवाब देना, तो वो कोशिशें क्या है, इस मौजूदा एमकेएम में शामिल हुआ जाए या 2016 से पहले वाली एमकेएम को बहाल किया जाए या कोई नई पार्टी बनाई जाए? मालूम देखें ये कुछ चीजें पर्दे सुनने में गुजरा है, हूँ आपसे, आपको शायद वो कुछ नागवार चीज गुजरा हूँ कि आप बहुत कुछ अच्छे बाद आ रहे हैं, तो लोग जानना चाहते कुछ हैं कि भाई चीजें क्या कुछ प्लान है। कुछ चीजें पर्दे में रहने दें, अगर वो बेहतरी आएगी तो पर्दा उड़ जाएगा, वरना पर्दा पड़ा रहेगा। ठीक है, भाई माजी की बात करते हैं, 2016 में से पहले जो एमकेएम से गलतियां हुई, वो क्या गलतियां थी? मतलब एक बिल्कुल एक गैर जानबदारा तजिया देश पे, आप एक आम इंसान की हैसियत से, एक ऑब्जर्वर की हैसियत से आपने क्या देखा, जितनी एक हस्ती खेलती पार्टी थी जो आज इस मैच पे पहुंच गई, क्या हुआ, किससे गलतियां हुई, नौीयत क्या थी, जिम्मेदार कौन थे, वो देखें किरदार सब कौन कौन से? सब जिम्मेदार थे, और जो जितना बड़ा ओहदा रखता है वो उतना बड़ा जिम्मेदार था। गलतियां हुई हैं, काफी हुई हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी गलतियां नहीं कह सकते, क्योंकि देखें एमक्यू कुछ बुनियादी कोशिशें थी, वो थी काम करने की ना, और उसी पे सब पे डंडे भी होते थे, सब काम भी करते थे, तो काम में तो वो कर रहे थे, शहर का काम कर रहे थे, सब कर रहे थे। गलतियां ये हुई कि रिस्पेक्ट एक दूसरे की रहनी चाहिए थी, वो नहीं रही, वो हर हर सतह पे उसकी जो है वो गलती का जो है वो जिम्मेदारी हर सतह पे है। तो उन किरदारों का आप बताएंगे कौन किरदार थे, और वो किरदार जिन्होंने एमकेएम को नेक्स्ट तक पहुंचाया, वो क्या इस वक्त एमकेएम में है? मेरे ख्याल से फैसल भाई, मुझे मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार आप एमक्यूएम पे ले जा रहे हैं, चलो देखिए ठीक है, एमक्यूएम से चलो ताल्लुक नहीं रहा, मैं जितना कह सकता था मैंने कह दिया, ये मेरी राजे दुआएं एमकेएम सबके लिए जो हैं, एमकेएम चाहे कोई भी एमकेएम हो, कोई भी कोई ग्रुप बात हो, नहीं करते, चाहे वो आपका ये राजे ग्रुप हो, चाहे वो पीआईबी हो, चाहे वो वादराबाद हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, मैं सबके लिए ख्वाहिशात है मेरी, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, लेकिन माजरों के वाले से बात कर लेते हैं, माजरों के वाले हाँ, से महाजनों के लिए एमकेएम जान हाजिर जिस है। दिन एमकेएम बनी, उससे बात अगर एमकेएम की और माजरों की सियासत का तजिया किया जाए, तो माजरों को फायदा पहुंचा एमकेएम से या नुकसान पहुंचा, माजर आगे गया या पीछे चला गया? मतलब एक तासुर है, बहुत सारे एमकेएम वाले कहते हैं कि तालीम याफ्ता कौम से जाहिल लोग हैं, घरों में सो नहीं सकते, एमकेएम वाले कहते हैं कि जब आखिर जाहिल तालीम याफ्ता जाहिल लोग हैं, ये वाला जो है ना प्रोपोगंडा, ये हमारे मुखालफिन ने फैलाया था कि जी वो कलम पर ठीक है, छोड़ के एमपी जो है वाले वो कहते असला हैं। दे दिया, वो प्रोपोगंडा का शिकार हो गए ना, अपने ही शिकार हो जाते हैं हमारे। असल बात ये, वक्त वक्त की जरूरत क्या होती है, उस वक्त क्या जरूरत थी, उस जरूरत के बाद आपने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन रास्ता तो सही था ना, आवाम क्यों जुड़ी कि भाई उस वक्त जरूरत थी,
आपके साथ एक वाकया हुआ, खास तौर पे बुशरा जैदी का जो वाकया हुआ था नाजाबाद चौरंगी पे, उसके बाद से अब फिर जो वाकये दो हुए, पक्का किला हुआ, उसके बाद ये सोराब गोट पे हुआ, ये सारे वाकया जो थे ना उसकी वजह से कौम एकदम से जुड़ गई थी। अलीगढ़ वाला वाकया हुआ तो वो उसके बाद, लेकिन उसी डायरेक्शन के अंदर आपने कुछ कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां हुई हैं कि वो डाइवर्ट हो गई, या आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया शुरू में ही और आपके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। तो ये बहुत सी चीजें, एक लंबी डिबेट है इसमें, किसने सही किया किसने गलत किया। देखिए इंसान इंसान से गलतियां तो होती हैं, लेकिन इंसान की कोशिश तो ये होती है ना कि यार हम अब कम अब चीजें सही करें, आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े। जी, आपकी जात के ऊपर बात करते हैं। आपके जाने के बाद भी यहाँ भी जब मौजूद थे, और खासतौर पर जाने के बाद बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए गए। ये आपको सवाल मैं पहले माजर हो सकता है तलख लगे, लेकिन जो चीजें ताकि वो चीजें क्लियर भी हो जाए कि आप रेस्टोरेंट मैनेजर थे, आप फिर देखते देखते जो है वो अरबपति हो गए। नॉर्थ आजमाबाद में कोई भी शादी आल जो है वो आपकी मर्जी के बगैर नहीं बनता था, कोई मकान आपकी मर्जी के बगैर फरोख नहीं होता था। ये बात सही है गलत है? सब झूठ है, सब झूठ है। देखिए सबसे पहली ये बात, लामत आप नहीं सुना? मैं जब एमक्यूएम के अंदर दाखिल हुआ हूं, मैं एक तो अमेरिका से गया, ठीक है ना, ये नहीं कि एमक्यूएम से मुझे अमेरिका वीजा। मेरे मेरे नॉर्थ अहमदाबाद में 1000 गज के मकान में रहता था मैं, मेरा वहां पे शादी हॉल मौजूद था, मेरा कश्मीर रोड पे कश्मीर पॉइंट के नाम से शादी हॉल थे, मैं अपने एक बिजनेसमैन की एसएससी में एंटर हुआ था, ठीक है ना। ये बाद में कहानी, आप तो मैनेजर बोल रहे, मुझे तो वेटर बोल दिया था कि जी वेटर थे, ठीक है ना। तो यार मैं जब पार्टी में गया अपनी गाड़ी में जाता था। और सबसे बड़ा मिसाल आपके ना, मैं कुछ छुपा नहीं रहा, आप 93 में मैं एमपीए बना हूं, आप जाके इलेक्शन कमीशन में फॉर्म निकालें और मेरा एड्रेस चेक कर लें, मैं कितने गज के मकान में रहता था और मेरा क्या कारोबार था, और बाकी सबके भी निकाल मजबूत। लें, तो आपको पता चल जाएगा किसकी क्या हैसियत थी। नंबर टू, उसके बाद ये इल्जाम लगे कि जी मैंने 19,000 कंटेनर चोरी कर लिया असले के, वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद डिनाई किया कि हमारा कोई असला चोरी नहीं हुआ। फिर इल्जाम लगा कि जी वो सैमा बिल्डर सारे बाबर गौरी के। अच्छा एक बात, कोई एक आदमी बताया ना, कोई एक आदमी, ये तो है ना इल्जाम, ये हमारे अपनों ने जानबूझ के प्रोपगंडा किया जाता है किसी को, ये कोई एक आदमी बताया कि जी ये मैं प्लॉट बेच रहा था तो ये मुझे उन्होंने रोक दिया। कोई एक तो खड़ा हो ना, किसने रोका, क्यों रोका, मैं क्यों रोकूंगा भाई, कौन रोकेगा। और उस वक्त एमक्यूएम तो मौजूद थी ना, आप 2 मिनट में शिकायत जाके नैजरों में करते कि जी ये फलाना आदमी हमें रोक रहा है। हाँ हमने, ये है कि हमने हजारों खानदानों को, और इसके अंदर आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं इसके अंदर, मतलब वहां पाकिस्तान में, एमकेएम पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, जिन्होंने मिलके काम किया और हजारों लोगों को छतें फराहम की, चाइना छतें कटिंग करी तमामदारी हुई, चाइना जिसको कहते हैं, वो कटिंग जी करी हुई, चाइना कटिंग हुई थी, चाइना नहीं, वो कटिंग चाइना करी। कटिंग तो वो डाइवर्ट कर दी ना लोगों ने, असल तो आबादकारी काम था, आबादकारी थी, कोई चाइना कटिंग नहीं थी, और किसी ने 1 रुपया सिंगल पैसे नहीं दिया, हजारों छतें मिली। बाद में चंद लोग जो है वो चाइना कटिंग में पहुंच गए और उसकी वजह से जो है वो सारा काम खराब हुआ, बदनामी दोनों चार लोगों ने की हरकत, और बदनामी पूरी पार्टी को भी हुई, हम लोगों को इल्जामात लगे। और भाई ये जो 22 अगस्त को तकरीर हुई थी, उसके चंद घंटे के बाद फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोशिश की, फिर गिरफ्तार हो गए, फिर शाम में की, ऐसा नहीं लगता कि लोगों का पहले से जहन बना हुआ था कि हमने एमक्यू से अलग इख्तियार कर ली है? ये सब कुछ तकरीर का रिएक्शन था? ठीक ये मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, ये वो वही जवाब देंगे आप। है। और ये जो नवाज शरीफ साहब से रियासत नाराज हुई, उनको माफी मिल गई, अगर कोई महाजन लीडर से रियासत नाराज होती तो आप नहीं समझते कि अगर महाजन लीडर रियासत उनसे उनको भी माफी मिलनी चाहिए? देखिए जितने कोई भी, मैं तो, आप तो ये माफी उसकी बात कर रहे हैं, ये मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक बात पे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं, वो जो कहते हैं ना कि एक कमीशन बनाएं ट्रुथ और रिकंसिलेशन, ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका में बना था। बहुत से लोगों से बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए, बहुत से, चाहे वो कोई भी हो किसी भी इदारे का हो, सब बैठ जाएं, एक क्लीन स्लेट करें और एक तय कर लें कि आइंदा जो करेगा उसकी सीधा फांसी मिलनी है या गर्दन उड़ा दी जाएगी, और उसके बाद मुल्क को आगे लेके चलें तो होगा। अब ये नहीं हो सकता कि एक को कर दो, दूसरे को नहीं करो, दूसरे को तीसरे को नहीं करो, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी इस वक्त कौन है? हम मैं अगर एक वैसे महाजन सवाल पूछूं तो महाजन का लीडर कौन है इस टाइम? ये लावारिस है? एमक्यूएम मैं तो चूंकि बाहर हूं, मैं ग्राउंड पे नहीं हूं, मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन हाल बहुत पाकिस्तान, बुरा है। एक बात ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान है, जिन्होंने कराची में ऑपरेशन किया, एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया, जी
एमकेएम पाकिस्तान इस वक्त, इन्होंने कराची के खिलाफ नवाज शरीफ में 2 दफा ऑपरेशन किया, इनसे उसने मुलाकात कर ली, जरदारी में ऑपरेशन किया, बहुत नुकसान पहुंचाया पीपल पार्टी वालों ने, उनसे वो एहतियात कर लेते हैं, लेकिन वो एमकेएम वाले जो अपने एमकेएम वालों से उनसे इनसे नाराज, उनसे बात नहीं करते, उनको अपने साथ शामिल नहीं करते, उनसे हाथ नहीं मिलाते। फैसल भाई ये तो आप उनसे सवाल करें ना, आप जो लोग मिल रहे हैं जुल रहे हैं, मेरा मैं क्या कह सकता हूँ, हर आदमी अपने लिए बेहतर ही सोचता होगा, लेकिन यह कि ये इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं हर एक को क्रिटिसाइज भी करूं, कि आप जो एक छोटी जमात है उसके ऑप्शन क्या है। हम लोग जो ना लोग बातें बनाते हैं, पीपल्स पार्टी से मिल लिए, नून से मिल लिए, उसने ऑपरेशन किया था, अरे उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास ऑप्शन यही है ना, या तो पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है, अब पीटीआई आ गई है थर्ड फोर्स, या नून है, इन तीन में से किसी एक। अब पीटीआई के साथ भी उन्होंने एग्रीमेंट किया, लेकिन उन्होंने कहा हम 1100 अरब देंगे और 11 रुपए नहीं मिले। पीपल्स पार्टी से कई दफा एग्रीमेंट हुए, बहुत सी चीजें उन्होंने सुनी, बहुत सी नहीं सुनी। नून से हुए, सुनी नहीं सुनी। आप मुशरफ साहब के जमाने में काफ से आपका एग्रीमेंट हुआ, हाँ उस दौर में चूंकि मुशरफ साहब एक बोर्ड ऑफिसर थे, वो सारी चीजें होती थी, कोशिश करते थे कि भाई जितना हो सके इन लोगों को इनको शेयर मिलना चाहिए, और आप देखिए उस दौर में कितना काम हुआ, कितना काम हुआ। अरे ये बताएं कि ये जो कराची वालों का एहसास है महरूमी है, इसका हल क्या है और किसके पास है? इसका हल पहले तो उनके आपस में उनके पास है, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दें। अगर कोई अच्छा। करे ना, आपको आके बोले जी ये फलाना था जो सवाल था भी आपने किए, तो पहले बोले यार सबूत लेके आओ, ठीक है तो ये नहीं समझे ना फिर तो। ठीक है, उसके बाद नहीं होता है, आप ये तबली यही तो होता है लीडर का, हम समझे आपने कौम को। अब हम लोग ने यहाँ पे तय कर लिया, हम लोग बैठते हैं कहीं, हम कहते हैं यार किसी की बुराई नहीं करो, अगर कोई बात करनी है तो पहले प्रूफ लाओ, अगर या उसके सामने बात करो, तो आपके अंदर पहले इस तरह यूनिटी शुरू होगी। जब आपकी यूनिटी शुरू होगी और अपने आप को जात को छोड़ के कौम का सोचना शुरू कर दें, तो आप देखिए खुद ब खुद मसाइल हल हो जाएंगे। हम जात पे लग जाते हैं। चलिए तो एक बड़े कैनवस पे बात कर दी ना, हल जो है कराची वालों से क्या ऐसे काम होने चाहिए, मायूसी खत्म हो, लोग बहुत मायूस हो गए, सिस्टम से मायूस हो रहे हैं लोग, अब शहर में रहना नहीं चाहते, कोई नौजवान इस शहर में रुकने को तैयार नहीं है, दुनिया के शायद बदनसीब शहर हो कि लोग जो है बहुत प्रोफेशनल डिग्रियां ले शहर में रुकने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जा रहे हैं, जो आपका जो माजरों का कराची वालों का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो शायद इतना कहीं भी नहीं हो रहा, आपका जहीन आदमी शहर में नहीं रुक रहा, मुस्तकबिल में तो पता नहीं कौन शहर में किस किस्म के लोग रह जाएंगे, इसका हल क्या है? लेकिन वो इसलिए नहीं रुक रहा ना, उसको उसको मौके का मिलना है उसको। मैंने नौकरियां दी ना कराची वालों को, क्या हुआ मेरे साथ? हाँ, मैं केस बना ना। अब मजे की बात है, वो नैब ने केस बनाया, हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया कि गलत नहीं हुआ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट से सेटल हो गया, नैब का अब तक लटका हुआ है वो, हालांकि नैब को चाहिए खुद वापस ले। अब मैं लिखूंगा चेयरमैन नैब को, सोच रहा हूँ लेटर के भाई आप ये क्या जरूरत है कि आप कोर्ट में, जब एक चीज क्लियर हो गई है कि ये नहीं है गलत काम इसमें कोई, तो आपको खुद वापस लेना चाहिए, ऐसा भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना नैब की तरफ से। जरूरी तो नहीं है कि हर एक जिनके ताल्लुकात हो उन्हीं के केस खत्म हो। हम देखें आप आपको लोगों को लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, इसलिए कि मौके नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज और अच्छी हो रही है कि बाहर तरक्की भी बहुत कर रहे हैं माशाल्लाह हमारे लोग, यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनी में जाता हूँ ना, यहाँ हर जगह हमें आपको नॉर्थ आजाबाद, नाजाबाद, फेडरल बे एरिया, मलीर, शाह फैसल, लांडी, हर जगह के लोग मिलते हैं और अच्छी अच्छी पोजिशन में, अच्छे अच्छे मतलब माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं, ये खुशी होती है। लेकिन ये लेकिन हमारे हुकूमत का, हमारे जो साहिब इख्तियार है उनका फर्ज है कि इस एहसास महरूमी को दूर करें कि पाकिस्तान के कराची वाले भी पाकिस्तानी हैं, वो भी शहरी हैं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है जो अब जो है अभी हमारे मौजूदा सेटअप चल रहा है और जो कुछ इस वक्त खासतौर पर जो आर्मी चीफ ने जो जो सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं और ये जो मेरिट की बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि अब बेहतर होगा। और आप देखिए अभी जितने फैसले हुए हैं, हालांकि कोई गवर्नमेंट नहीं है, निगरा गवर्नमेंट है, लेकिन जितने फैसले हुए हैं वो पॉजिटिव हुए हैं, उनका असर आ रहा है, डॉलर कम हुआ, स्मगलिंग रुकी, अफगानियों के जो अभी आपके नॉर्थ आपका जो आप वहां रहते हैं कराची में, सुपर हाईवे पे कोयटा टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो आम बेचारे कराची के लोगों की 40-40 साल पहले बहुत से बेचारे मर गए, उनके प्लॉट मौजूद है, सब पे अफगानियों ने कब्जा किया हुआ है। अब ये देखना है क्या सिंध गवर्नमेंट को सफाई करके वो प्लॉट वापस उन लोगों को देती है, या जो लोग मर गए उनके जो लवाकिन है, उनके वर्षा है, उनको प्लॉट देती है, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ भाई ये काम हुआ है कोई, और होना चाहिए ये। अभी दो सवाल बिल्कुल हम इंटरव्यू को समेटते हैं कि सिंध में एमकेएम के गवर्नर बहाल मौजूद हैं, आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है कामरान तस्वीर साहब की?
कोशिश तो कर रहे हैं, सच्ची बात है, मेहनत कर रहे हैं। एक नया आदमी है, उसने मेहनत तो की है, जो बात आपका ये जवाब तो बहुत सारे नए सवाल आपको जन्म दे रहा है। खुद एमकेएम तो गवर्नर से नाराज है, आप जो है उनकी तारीफ कर रहे नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ना कि मैं एक्टिविटी जो देख रहा हूँ कर रहा हूँ, उनकी पॉलिटिकल क्या चल रहे हैं मसले मुझे नहीं पता। हैं। बहरहाल मैं तो सबके लिए, मैं तो किसी की भाई कोशिश करता हूँ बुराई ना करूँ, नाम ये ना अच्छी लूँ, बात, अपनों ये के अच्छी साथ बात। फिर मेरा ये पर्सनल नाराज रहेगा। क्यों है गवर्नमेंट एमकेएम में? अगर आपकी तो इतनी गहरी नजर है, क्या नाराज की क्या एमकेएम की मौजूदा गवर्नर की? मुझे मुझे सच्ची बात नहीं पता। ठीक है। अरे दुबई बहुत चक्कर लग रहा है आपका, पिछले दिनों भी दुबई में मौजूद थे आप। जी, दुबई में देखे, कोई मैं पहली बात तो जा रहे, मेरे मेरे अजीज हैं, मेरे समधी है, मेरी बेटी है, उसकी ससुराल है, अच्छा, तो हाँ दूसरा ये कि वहां पे जाहिर है दुबई में मजा ही आता है कि रोज पाकिस्तान से कोई ना कोई आ रहा होता है, अमेरिका अच्छा तो इतनी दूर है, तो हर फ्लाइट से कोई आता है वो सियासतदान बैठ जाए, सब भी आ रहे होते काफी। होते हैं, सियासतदान भी होते हैं और उसमें हर किस्म के लोग भी होते हैं, तो वो कारोबारी हजरात भी होते हैं, तो उनके साथ बैठते हैं आप दुबई में, एक आपको पता है ना अमेरिका में तो एक अलग लाइफ है, लेकिन दुबई जो लाइक वहां पे आपको अमेरिकन मजा भी मिलेगा, आपको यूरोप का भी मिलेगा और आपको वहां पाकिस्तान का मजा भी मिलेगा, खाने ये कह सकते की। हैं कि कराची के मुस्तकबिल के सियासी प्लान का मंसूबा दुबई में तैयार किया जा रहा है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वहां पे जो लोग हैं बात होती है, सबकी कोशिशें हैं कि कुछ बेहतरी करें, लेकिन कितने अरे लोग काबिल होते इतना हैं इतने नहीं अरसे होते। बाद आप इतने अरसे बाद इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बड़ी खबर तो दे दे रहे हैं, नहीं तो फिर हमारे साथ ज्यादती हो जाएगी सर। बड़ी खबर तो आपके इंटरव्यू से निकलनी चाहिए। जो फार्मूला तय है वो फार्मूले के बारे में बड़ी खबरें तो खुद ब खुद अचानक ही आती हैं भाई। नहीं, उस अचानक में कितना टाइम लगेगा, इसे ये बता दें सर। ये मैं नहीं कह सकता, कुछ भरोसा नहीं होता पाकिस्तान में, हो भी सकता है कि एंड टाइम पे बहुत सी चीजें खत्म भी हो जाती हैं। चलिए इसको इस तरह कर लेते हैं कि कराची के शहरी जो है या सिंध के शहरी इलाकों के जो लोग हैं वो किसी बड़ी खबर के लिए तैयार रहे, इतना नहीं, तो आप हाँ कर देंगे तो हमारी अच्छी खबर बन जाएगी। इस तरह नहीं करें, इस तरह करें कि भाई उम्मीद रखें, और को जो भी लोग हैं जिन जिन्होंने जिनको कराची वालों ने प्यार दिया है, वो कोशिशें कर रहे हैं कि बेहतरी हो, काफी जो एमकेएम से अलहदा हो गए थे लोग या शामिल हैं, काफी सारे, लोग कोशिशें कर रहे हैं कि कराची के मामला बेहतर हो, कराची के लोगों की एहसास महरूमी दूर हो, और जो पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है, जो जिनके पास इख्तियार है, वो कराची के मसाइल को वाकई में समझें और हल करें, कराची के साथ तासुब ना करें, कराची वाले सब बराबरी है। बाद में करते हैं, कोशिशों में पहले बात कर लें। तो जितने लोग कोशिशें कर रहे हैं दुबई में, वो तो कराची से ज्यादा लोग तो वहां कोशिशें कर रहे हैं, ज्यादा लोग तो वहां पर हैं कोशिशें करने वाले, दुबई आप दुबई में भाई, में या पाकिस्तान से बाहर। कोशिशें कहीं से भी हो, कोशिशें होनी चाहिए ना। आप तो बात बता ना, मीडिया का दौर है, आप तो हर आदमी जूम पे बात कर लेता है, आपके साथ देखे ना, मैं अमेरिका बैठा हूँ आपके साथ, मैं यहाँ पे बात कर रहा, स्टूडियो में तो नहीं आया ना, तो चीजें हाँ बैठ के कहीं से भी कहीं हो, असल मकसद ये कि कराची की बेहतरी हो, सिंध की बेहतरी हो, पाकिस्तान की बेहतरी हो, सबको फायदा हो, चाहे जिन्होंने वो कोई भी जबान जिन्होंने बोलता हो, सबको फायदा होना चाहिए। जिन्होंने अब आपकी बात का मतलब, जिन्होंने अपनों के रूप में अपनों को नुकसान पहुंचाया, उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। अरे छोड़ है ना, अगर हम भी उन्हीं की तरह रिवेंज में लग गए, जो बिल्कुल रिवेंज, देखिए सबसे पहले रिवेंज नहीं होना चाहिए, आपके पास अगर इख्तियार है तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप रिवेंज ना लें, कोशिश करें कि उसको भी साथ लेके चले। अभी एक आखिरी सवाल, इसका आप जवाब देना चाहें तो दे दीजिएगा, ना देना चाहें तो आपके ऊपर है। आपका तजुर्बा क्या कहता है, एमकिन के कायद अल्ताफ हुसैन अपनी सबका हैसियत में वापस आएंगे? मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिर है पॉलिटिकली मैं आपको जवाब दे सकता हूं, लेकिन इस वक्त मुनासिब नहीं है। ये जो कोशिशों में उनका तो कोई अमल दखल नहीं है, हो रही है जो नहीं, हमारा हमारा किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब नहीं इनफरादी को तौर पे जो कोशिशें हो रही हैं, इनफरादी तौर पे लोग कर रहे हैं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। और कोई और बात अगर आप कहना चाहें तो। नहीं, बस अल्लाह ताला हमारे, मुझे तो बस शहर की फिक्र है, जब मैं मुझे गडाप थाने में रखा था और वहां से सुबह जब कोर्ट ले गए तो पूरा शहर घूमता हुआ मैं गया हूँ, इतना बुरा हाल मैंने नहीं देखा था, बहुत दुख हुआ, मैं दुख इतना दुख हुआ कि मुझे देखें। और दूसरी बात ये कि मैं सबको ये कहता हूँ कि यार खुदा के लिए एक दूसरे के साथ दो, मोहब्बत करो, हाँ किसी ने अगर कुछ किया है साबित करो, प्रूफ लाओ, अफवाहों पे जो है वो यकीन नहीं करो, अफवाहों पे यकीन करने से बहुत नुकसान हो जाता है।
चुकी बाबर भाई, आपने हमें इतना टाइम दिया अपने कीमती वक्त से, हम फिर इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। ये आपसे हम पहले कमिटमेंट ले लेंगे, जो आपकी कोशिश है जो करीब करीब आ जाए, तो आपने वो हमें मैं वो एक कोशिश चीज मिला फैसल देते भाई हैं। दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तान को हाँ अगर बेहतर करना है सबसे पहले हाँ हमें सूबे बनाने होंगे और मेरिट काम कायम करना होगा। ये दो चीजें कर दो, पाकिस्तान खुद ब खुद टेक ऑफ कर जाएगा। और इलेक्शन हल नहीं है, इलेक्शन इलेक्शन हल नहीं है, अवाम का मसला इलेक्शन नहीं है, अवाम का मसला है बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, मसाइल हल हो, लोग खुश रहें, उसके बाद फिर आप जमहूरियत जमहूरियत करते रहें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बाबर भाई। फिर ये आपकी हमारी कमिटमेंट हो गई कि जब ये कोशिशें 12 बार साबित होंगी, करीब पहुंच जाएंगी, तो आप हमें कोशिशों की खबर करेंगे। वो आप खुद खुद ब खुद आपको भी पता होगा, मुझे मुझसे पहले आपको पता चल जाएगा। ठीक है बाबर भाई, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे इंटरव्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज।